Hello guys, welcome back to our channel. The article which we are going to discuss today is this women's work. आपने अभी सुना होगा कि कमल हसन की पार्टी ने एक वुमेंस को राइट दिया है कि अब आपको डोमेस्टिक वर्क के लिए पैसा मिलेगा एंड ऑल. तो इसमें आर्टिकल ये बताना चाहते हैं कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 1990 से 2019 में 30% या 20% गिर गया है, जो कि बहुत बड़ा रेट है. ठीक है, हम लोग अब येमेन, सोमालिया, इराक और सीरिया के आसपास आते हैं. ऑथर ने ये भी बोला है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे ज़रूरी नहीं कि ये हो रहा है कि वुमेंस आगे बढ़ेंगे. ये तो एक पॉपुलिस्टिक पॉलिसी हो गई, लाइक हम वुमेन को मिक्सर ग्राइंड दे रहे हैं. हमें इंस्टेड ये देखना चाहिए कि नेचुरल होम मेकर जो कि इनकरेज हो रहा है और डोमेस्टिक कोर्स के सर्विस इंसेंटिव हो फॉर हर टू स्टे विद इन कन्फाइंस ऑफ द होम. ये इसे घर के अंदर ही बना रोक दे रहा है. तो हमें ये देखना है कि हम लोग ये ना करें कि वुमेंस घर के कन्फाइंड रह जाए, उनकी एक्चुअल डोमेस्टिक लेबर फोर्स बढ़ानी है. ऑथर ने ये भी कहा है कि ऐसा भी होता है कि वुमेंस जॉब में इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि अब वो स्टडीज़ पर ज़्यादा दे रही हैं, बट गैप इज़ स्टिल टू बिग. हमें इंस्टेड ये करना चाहिए कि हमें वुमेंस की सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी चाहिए, उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि कैसे वो आगे बढ़े, इंस्टेड ऑफ गिविंग हर द रोल ऑफ नेचुरल होम मेकर. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी गोना डिस्कस टुडे इज़ दिस. यहाँ पे ब्रिटेन और जापान का रिलेशनशिप बताया गया है. बताया गया अभी फोर्थ ब्रिटेन और जापान के टॉक्स हुए थे, 2015 से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जापान को CTF-151 ऑपरेशन करने थे गल्फ ऑफ एडन में और एक्विजिशन क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट करना था. ठीक है, इसमें बोला गया कि जब स्टार्टिंग हुई थी तब तो देवर लाइक हाँ पहले में देवर अक्की पार्टनर यूके और इंडियोरिंग फ्रेंड ढूंढना था इन्होंने. ठीक है, अभी लेटेस्ट उन्होंने ये कहा है कि यूके इज़ अ सिक्योरिटी पार्टनर एंड अ इंडियोरिंग फ्रेंड. जो स्टार्टिंग में तो देवर लाइक हाँ ठीक है वी आर हैविंग अ जॉइंट अग्रीमेंट. ठीक है, आगे थोड़ा बढ़े थे सेकेंड राउंड में तो भी उन्होंने कहा था कि यूके वुड प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल एंड कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी अग्रीमेंट. अब इस बार उन्होंने कहा है कि हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी चाहिए और हमें और ज़्यादा अपहोल्ड करना पड़ेगा राइट बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. दे आर डायरेक्टली अगेंस्ट चाइना ऑल्सो. तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी टू प्लस टू डायलॉग हो, इसमें सबसे बड़ी बात हुई है कि यहाँ पे एक HMS क्वीन एलिजाबेथ करके एक ब्रिटेन की वॉरशिप थी जो सबसे बड़ी थी और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था. ईस्ट एशिया में ये दोनों भेजे गए हैं, ये जबकि ये क्या कहते हैं ओपीएम वॉर 19th सेंचुरी में भेजे गए थे और अब फिर भेजे जा रहे हैं. इसमें ये पता चल रहा है क्योंकि ब्रिटेन अपने पुराने टाइस को दोबारा वापस लाना चाहते हैं. इवन जब जापान ने चाइना को 1890 जब जापान ने यूएस के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया था, ठीक है, उसके बाद भी जब फ्रांस जो है यूएस के साथ 1854 में जापान ने कमर्शियल ट्रीटी की थी. ठीक है, उसके बाद जब जापान वॉज क्विक टू फोर्स की उसने एक मैरिटाइम अग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ कर ली. इवन वो फ्रांस भी चाहता था कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज पावर दे, बट ब्रिटेन जापान वॉन्टेड ब्रिटेन टू हैव रिलेशनशिप विद. उसके बाद आगे ये चीज़ हुई है कि 1894 में जब उन्होंने चाइना को हरा दिया तो उसके बाद फिर ब्रिटेन वॉज अ गुड अलाय. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देवर टुगेदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देवर अगेंस्ट ईच अदर. तो ये होता है कि हाँ दे हैव रिप्ड अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम. तो अभी ये कहा गया है कि अभी टू लेट नहीं हुआ है कि वो दोबारा अपनी वही रिलेशनशिप में वापस आ जाए. नेवल कॉपरेशन इंडो पैसिफिक में यूके ने इवन फाइव आइज में जापान को बुला लिया. तो यू हैव टू लर्न दिस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि फाइव आइज में यूके ने कौन कौन है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, दिस इज़ द ग्रुप, दैट्स ऑल. नीचे बकवास लिखी गई है, यू नीड इट नॉट टू लर्न इट, करी के बारे में बात हुई है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू वॉन्ट मी टू डिस्कस अदर आर्टिकल यू शुड कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.